Cyclotron is a very important topic for this chapter. और ये जो इसका मेन काम वो होता है, ये इसका काम है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा टू वेरी हाई एनर्जीज। इसका काम है वेरी स्पीड में कन्वर्ट कर देना, वेरी हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देने का काम होता है साइक्लोट्रॉन का। क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको ये मूव कर सकते हैं, हाई स्पीड में एक्सेलरेट करा सकता है। साइक्लोट्रॉन का ये काम है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए, देखो कि क्या होता है कि प्रिंसिपल अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। अ चार्ज पार्टिकल्स दैट कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू अ मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा, एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू कुछ नंबर ऑफ टाइम्स को मूव कराओगे, तब क्या हो जाता है? दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच थ्रोज द चार्ज पार्टिकल्स इन टू सर्कुलर मोशंस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। मीन्स बेसिकली देखो, साइक्लोट्रॉन कौन सा पार्टिकल्स को मूव करा सकते हैं, एक्सेलरेट करा सकते हैं। फर्स्ट एक चीज हम लोगों को जानना पड़ेगा, साइक्लोट्रॉन का काम है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको ही मूव करा सकता है। नंबर वन, प्रोटॉन, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मतलब क्या होता है? डॉयटेरियंस जो होता है, न्यूट्रॉन्स मतलब होता है कि डॉयटेरियम मतलब तुम्हें जानते हैं, डॉयटेरियम होता है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप को कहता है डॉयटेरियम, जिसमें एक ठो न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉमन हाइड्रोजन है जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, दुनिया में एक ही एलिमेंट है विच डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉमन हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड प्रोटियम। बट डॉयटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज अ सिंगल न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रोटॉन ऑफ डॉयटेरियम्स। एंड नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल्स, मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? हीलियम टू प्लस पार्टिकल्स। हीलियम टू प्लस मतलब क्या होता है? हीलियम इट इज व्हाट? हीलियम क्या है? इन्वर्टर सॉरी, बबल गैस हीलियम इज अ नोबल गैस। सो क्या होता है, ये जो नोबल गैस है इसमें क्या होता है, दो ठो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। तो दो ठो इलेक्ट्रॉन मतलब दो ठो प्रोटॉन भी रहेगा। अगर हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल दिया जाएगा, सो अल्फा पार्टिकल्स बिकम्स अ पॉजिटिव पार्टिकल्स, दैट इज HE टू प्लस आयंस बन जाता है। इसको हाई एनर्जीज में मूव कराते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स आर टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू द मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हाई एनर्जीज, ये जो चार्ज पार्टिकल्स को हेवी हाई एनर्जीज करने के लिए इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में काफी नंबर ऑफ टाइम्स घुमाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके घुमाएगा, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट सो हाई नॉट सो लो, मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू नंबर ऑफ टाइम्स घुमाता है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो सर्कुलर मोशन है, इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स है इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता है कितना स्पीड में वो पार्टिकल घूम रहा है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट जो है इसका रेडियस क्या है,
इसका रेडियस क्या है और कितना स्पीड में वो घूम रहा है. दिस इज द बेसिक लॉजिक साइक्लोट्रॉन और उसका प्रिंसिपल. साइक्लोट्रॉन फर्स्ट बोला है कि इसको एक्सीलरेट करने के लिए चाहिए, और प्रिंसिपल जो है उसको मैं बता रहा है कि इलेक्ट्रिक मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ टाइम्स घूम रहा है और परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं. अब इसका थ्रू इसका इसका अंदर पे जब चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं सर्कुलर मोशन पे, ये चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. बताओ क्या क्वेश्चन है. एक्चुअली साइक्लोट्रॉन से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है या फिर फुल बहुत बड़ा भी दे सकता है. छोटा क्वेश्चन कैसे है, देखो हम लोग जो पढ़ा है अभी तक कुछ छोटा पार्ट ही पढ़ा है उसका अंदर पर देखो क्वेश्चन आ सकता है साइक्लोट्रॉन किस ढंग का पार्टिकल्स को मूव करा सकता है, एक्सीलरेट करा सकता है, और क्या बोल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन. ये बात को लिखना पड़ेगा. Anything to be asked? समझ में आया? सर, प्रिंसिपल में थोड़ा डाउट है सर, और एक बार बता दीजिए ना. प्रिंसिपल कुछ नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स लो, उसको मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाओ नंबर ऑफ टाइम्स. अगर तुम हॉरिजॉन्टली तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रखोगे सो वर्टिकली रखना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा. अब चार्ज पार्टिकल्स को तुम सर्कुलर मोशन में घुमाना शुरू करो. जो चार्ज पार्टिकल्स को तुम घुमा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड. समझ गए, जो सर्कुलर चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डिपेंड नहीं करता कितना स्पीड में पार्टिकल घूमेगा और कितना रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्पीड होगा. एक्चुअली सर, हाँ बोलो. साइक्लोट्रॉन यूज क्यों करते हैं, मतलब ये जो आप बोल रहे ना क्या क्या यूज होते हैं बताएगा इसको. एक्चुअली क्या होता है ना, साइक्लोट्रॉन यूज होता है बेसिकली न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड करने के लिए. इसके बारे में हम लोग पढ़ेगा. मतलब हाई क्या होता है, ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या करता है, जब मान लो कोई एटॉमिक एनर्जी निकालना पड़ेगा क्या करता है, प्रोटॉन्स लो एनर्जी प्रोटॉन्स को हाई एक्सीलरेट स्पीड दे दिया, भाग रहा है, भाग के जाके कोई न्यूट्रॉन को देखो इधर से निकाल रही है. दिस इज कॉल्ड अ विंडो. ये विंडो से निकल रहा है, निकल के क्या करता है, कोई लो तुम्हारा लाइट न्यूट्रॉन्स का वर हिट करता है और ये न्यूट्रॉन्स जाके कोई हेवी न्यूक्लियाई में बॉम्बार्ड करते हैं, मतलब हिट करते हैं. और हेवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, उसमें उसका न्यूक्लियस में अगर हिट करेगा तब एटॉमिक एनर्जी निकालना शुरू हो जाता है. समझ गए, प्रोटॉन जाके इधर से प्रोटॉन को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन को तुम एक्सेलरेट करने नहीं सकेगा, उसके लिए मशीन नहीं है. न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल फील्ड, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है उसका, तो इसीलिए क्या करते हैं प्रोटॉन को भगाते हैं, प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराते हैं. वो हाई स्पीड में जाके लाइट न्यूट्रॉन्स को हिट करेगा और वो न्यूट्रॉन जाके हिट करता है कोई हेवी एटम्स का लाइक यूरेनियम, उसका न्यूक्लियस में जाके हिट करता है. जैसे हिट करेगा साथ साथ यूरेनियम क्या करता है, तुम्हारा साथ साथ यूरेनियम रेडिएशन करना शुरू कर देते हैं, सो एटॉमिक एनर्जी निकालना शुरू हो जाता है. तो हम लोग इसके बारे में यूज का बारे में पढ़ेगा, जैसे तुमको छोटा ये बोल दिया.
सर सर एक मिनट रुक सकते हैं? होगा देखो क्या यार, प्रिंसिपल तो मैं बता दिया, अब आएगा हम लोग कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्मॉल हॉलो मेटालिक हाफ सिलेंडर्स कॉल्ड D1 एंड D2, दैट इज कॉल्ड डीज एज दे आर इन द शेप्ड शेप ऑफ डी। लुक एट द डायग्राम, दिस इज डी D1 एंड दिस इज D2। देखो दोनों ही हॉलो शेप है और इसमें क्या होता है, डी शेप रहते हैं। एक कर देते D1, सेकेंड कर देते D2 एंड दैट इज कॉल्ड डीज एज दे आर इन शेप ऑफ डी। दे आर माउंटेड इन साइड ए वैक्यूम चेम्बर। इसको क्या करते हैं, इसको माउंट करके रखता है वैक्यूम चेंबर, मतलब अंदर में एयर जाने नहीं देते हैं। बिटवीन पोल्स ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट, ये जो डी रखता है इसका पोल ऑफ ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का बीच में रखते हैं। कहां पे है इलेक्ट्रोमैग्नेट? इसको देखो, जिसको मैं देख रहा था, ये है दोनों डी, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। और क्या है ऊपर में देखो, ये जो डी रखते हैं, दिस इज द बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज व्हाट, ऊपर वाला N और नीचे वाला S, इसके बीच में ये डीज को रखते हैं। सो क्या होता है, अभी देखो the D's are connected in the source of the high frequency alternating voltage of few hundred kilovolts. This is high frequency oscillator. इसमें alternating voltage ये provide करता है, this part HF oscillator. The beam of charged particles is to be accelerated, is injected into the D's near the center. चार्ज पार्टिकल्स का जो बीम है उसको कहां पे घुसा देते हैं, ये बीच वाला पॉइंट में, सेंटर में इंजेक्ट किया जाता है, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें घुसा दिया डी का बीच में, द चार्ज पार्टिकल्स आर पुल्ड आउट ऑफ डीज बाय ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या हो जाता है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स दे दिया, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, वी नो इट, और इसमें देखो डिफ्लेक्शन प्लेट रखा हुआ है, वो क्या करता है, इसमें घुसना शुरू घुस जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो चार्ज पार्टिकल्स को फर्स्ट क्या करता है, पुल्ड आउट ऑफ डीज बाय डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थ्रू द विंडोज W, मतलब इसको कैसे करके घुमाएगा उसमें हम नहीं जा रहा है, ये घूम रहा है, स्पाइरल ही घूमेगा, हर सर्कल में क्या होता है इसका रेडियस बढ़ जाता है, और इसको जब जब हाईएस्ट रेडियस में घूम रहा है जाके इधर से पुल्ड आउट कर देते हैं थ्रू द विंडोज, ये पार्ट को कहता है विंडोज। अगर तुम ऊपर में जाओगे दिस इज विंडोज, ठीक है, सेंटर में घुसा देते हैं सेंटर में, और इसे घुमा रहा है, घूम के एकदम लास्ट में जाके क्या करता है, पुल्ड आउट करते हैं, ये जगह में डिफ्लेक्शन प्लेट रहता है नेगेटिवली चार्ज्ड, घुसा के इधर से विंडो थ्रू निकाल देते हैं, हाई स्पीड में निकाल के आ जाता है प्रोटॉन बीम, हाई स्पीड प्रोटॉन है, वो जाके टारगेट को हिट करता है। जैसे बोल रहा था अभियांतिका कि क्या काम है, तो मैं वही बोल रहा था कि ये टारगेट क्या रखता है, इसमें लाइट न्यूट्रॉन्स रखते हैं, मतलब एक तो न्यूट्रॉन्स बाहर में रखा हुआ है, हाई स्पीड प्रोटॉन आके उसमें हिट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन जाके टारगेट करता है कि हेवी न्यूक्लियाई को, लाइक यूरेनियम, हेवी न्यूक्लियाई को हिट करने से उधर से रेडिएशन स्टार्ट कराने के लिए। हम लोग
पढ़ा है इसमें कि क्लास 10 में पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन, जब हम लोग कहते था हेवी न्यूक्लियाई को लाइट न्यूट्रॉन से, ये लाइट न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से जो बॉम्बार्ड करते हैं, वो बॉम्बार्ड करने का प्रोसेस क्या था? न्यूट्रॉन अचानक जाके बॉम्बार्ड क्यों करेगा? न्यूट्रॉन का पुश करना पड़ता है, कौन पुश करता है? प्रोटॉन। नॉर्मल तो प्रोटॉन जाके न्यूट्रॉन को हिट नहीं करेगा, उसको हाईली एक्सीलरेट करना पड़ेगा। किसका थ्रू करेगा? साइक्लोट्रॉन का थ्रू करेगा। जब करेगा तब क्या करते है? वो हीट करता है जाके तुम्हारा न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन जाके हीट करता है न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन जाके हीट करता है हेवी न्यूक्लियाई को लाइक यूरेनियम। तो समझ गया कंस्ट्रक्शन। देखो हम बोल देते फिर कंसीडर टू स्मॉल हॉलो मेटालिक हाफ सिलेंडर्स, दो ठो डी है इसमें D1 D2 माउंटेड इनसाइड वैक्यूम चेंबर, इसके अंदर में वैक्यूम चेंबर रहते हैं। इट पोल्स बिटवीन द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब क्या होता है? देखो ये ऊपर और नीचे है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। डीज आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ फ्यू 100 kilovolts। देखो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज है। द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स टू बी एक्सेलरेटेड इन इंजेक्टेड इन टू डीज नियर द सेंटर। चार्ज पार्टिकल्स कहाँ पे घुसाते हैं? इधर घुसाते हैं। और एट लास्ट क्या होगा जब ये घूमना शुरू होगा? कैसे घूमेगा वो तो मैं बताऊंगा। इसको ये इधर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, इसको मूव करते हैं, मूव करके इसका थ्रू निकल के आ जाता है। द होल डिवाइस इज इन वैक्यूम, हाई वैक्यूम में है, सो दैट एयर मॉलिक्यूल्स मे नॉट कोलाइड विथ चार्ज पार्टिकल्स। क्या होता है, इसीलिए होल डिवाइस को वैक्यूम में किस लिए रखते हैं? ये भी एक पार्ट है, बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोई पॉल्यूशन नहीं होता है कि ये चार्ज पार्टिकल्स का, इसलिए वैक्यूम में रखते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। डू यू हैव एनी डाउट्स ऑन इट? प्लीज आस्क। नो सर। ओके चलो थ्योरी में चला जाते हैं। मान लो एक चार्ज पार्टिकल्स है, एक चार्ज पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, एंड मास एम एंटर ए रीजियन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी में रखा गया है, चार्ज पार्टिकल्स क्यू है, चार्ज पार्टिकल्स का मास कितना है? मान लो एम है। इसको लिया है नॉर्मल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी जानते हैं हम लोग, जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मली रहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द पार्टिकल फॉलोस अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल क्या करते हैं? फॉलो करते हैं सर्कुलर पाथ। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। Therefore, magnetic force on charge Q का ऊपर magnetic force, it is equal to centripetal force on charge Q. Magnetic force on charge Q, it is equal to centripetal force on charge Q. Magnetic force on charge Q जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लोग पढ़ के आया, that is QVB sin theta. Is equal to centripetal force on charge Q, क्या होता है? mv square by r, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी मालूम है, centripetal force का फॉर्मूला mv square by r। yes sir। sin θ का वैल्यू कितना है? 1 है। qvb sin θ जो है वो 1 होने से क्या हो जाता है? देखो r is equal to r और qvb को अगर तुम इंटरचेंज करोगे, पहले एक काम कर लेते हैं, ये v और ये v स्क्वायर को काटो, v बन जाता है, दिस इज इक्वल टू 1 कर दो, ये q को इधर लेके आओ,
ये बी को भी इधर लेके आओ, राइट। और आर को क्या करेगा, इधर लेके जाओ। आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी हो जाता है, नहीं है? यस सर। अभी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तुम्हारे पास आर का वैल्यू है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, 2πr/v। 2πr मतलब क्या होता है, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका सर्कमफेरेंस। हम लोग जानते हैं, एक छोटा बचपन से फॉर्मूला जानते हैं, देखो इधर लिखा भी है, हम लिख के रखा था, v इज इक्वल टू s बाई टी, क्लास 5 का फॉर्मूला, 11 में भी पढ़ा था। मतलब t इज इक्वल टू क्या होगा, s बाई वी, टी मतलब टाइम। इसमें जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो s मतलब जो सर्कुलर पाथ है, इट विल बी डेफिनेटली सर्कुलर, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, दैट्स हाउ यू हैव रिटन इट। क्योंकि इसमें लिखा भी था s by t, s मतलब सर्कमफेरेंस है, so 2πr, और t और v को इंटरचेंज कर लिया, तो t इधर आ गया, v इधर आ गया, देखो ये लिखा हुआ है इसमें, अंडरस्टूड? यस सर। सर एक और बार देखो, v is equal to s by t होता है, v is equal to s by t होता है, तो t और v को इंटरचेंज कर सकते हैं, t is equal to s by v। अभी चार्ज पार्टिकल से तुम कौन सा स्टेप में घुस रहे, घुमा रहा है, सर्कुलर पथ में घुमा रहा है कि नहीं, बोलो? यस सर। ये आर हो गया, वही तो लिखा हुआ है इसमें, और ये स्मॉल डी को कैपिटल टी लिख दो बस, समझ गए पार्ट। v इज इक्वल टू s बाई टी, टी और v इंटरचेंज हो गया, t इधर आ गया, v नीचे, s मतलब दिस इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बोल के 2πr हो गया, क्लियर? यस सर। अभी r जो है, ये r का जगह में वैल्यू क्या है, mb / qb पुट कर दो इसको, अगर पुट करोगे दैट मीन्स देखो बनता क्या है इसमें, ये v और ये v कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 2πm/qb, देखो वही लिखा हुआ है इसमें, एनी डाउट? एनीथिंग टू बी आस्क्ड इसका अंदर में? No, sir. अब देखो फ्रीक्वेंसी, अब देखो तुम टी मिल गया, टी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी मिल चुका है, तो टी अगर तुम मिल जाओगे, तो इसमें देखो हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जानता है एक दूसरे का रिवर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स निकलेगा, ये हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, क्लास 11 में भी पढ़ा था, तो 1/t मतलब क्या होगा, t को रिवर्स, इसको उल्टा कर दो, qb / 2πi / 2πm, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट बोथ ऑफ द वेलोसिटी एंड पार्टिकल्स। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, चार्ज पार्टिकल्स जब घूम रहा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, और ये फ्रीक्वेंसी में देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स भी नहीं है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स भी नहीं है, मतलब जो पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस मतलब आर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्सप्रेशन में। हम लोग जब इसका प्रिंसिपल पढ़ने गया था, प्रिंसिपल में बोला था ना, चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड चार्ज पार्टिकल्स रोटेट्स एंड द पाथ, मतलब रेडियस ऑफ द पाथ, रेडियस का ऊपर डिपेंड नहीं करता ये। तो इसे देखो, नाइदर वी है नॉर आर है,
देखो मैं ये लाइन पे पढ़ा था, प्रिंसिपल जब पढ़ रहा था इसमें लिखा हुआ है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच डज नॉट डिपेंड ऑन अ स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो अभी जो तुमको दिखा रहा था कि f इज इक्वल टू, जो इक्वेशन में दिखा रहा था उसमें नाइदर r एग्जिस्ट करता है नॉर v एग्जिस्ट करता है। r मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसका रेडियस, और v मतलब स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो लिख दिया मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स विल बी दिस, एंड इट इज क्लियर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अभी आ जाता है, हाँ आपका आवाज बीच में गायब हो गया था। कितना तक सुना था बोलो? सर सुन गया था। आप सुनाई दे रहे हैं? वापस कट गया, टंग टंग हो रहा है। जस्ट अ मिनट। देखो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये हो गया तुम्हारा थियोरी। तो मैं क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट पढ़ा है साइक्लोट्रॉन होता क्या है, किसको चार्ज करते हैं, नेक्स्ट पढ़ा था क्या, प्रिंसिपल पढ़ा था, नेक्स्ट क्या पढ़ा है, थियोरी पढ़ा है। सबको इंडिविजुअली आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअली ये सब आएगा। या फिर फुल साइक्लोट्रॉन की फुल क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम लोग वर्किंग में जा रहे जाते हैं। सपोज ए पॉजिटिव आयंस के प्रोटॉन्स एंटर द गैप बिटवीन द टू डीज। आई होप इन द मीन टाइम तुम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिटी आ गया, आई एक्सपेक्ट। तो अभी 2D का बीच में तुम प्रोटॉन्स को मान लो घुसा दिया बिटवीन द टू डीज एंड फाइंड डी जी वन टू बी नेगेटिव। 2D का बीच में घुसा दिया, अभी डी वन को क्या कर रहा है, मान लो नेगेटिव कर दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, D1 को नेगेटिव बना दिया। कैसे बनता है ये भी हमको जानना जरूरी है। इसे देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, एक बार इसको नेगेटिव बनाता है, ये D को नेगेटिव बनाता है, एक बार ये D को नेगेटिव बनाता है। इसको जब नेगेटिव बनाता है ये पॉजिटिव, ये D को जब नेगेटिव बनाता है ये था पॉजिटिव। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ रखा हुआ है। So, क्या होता है, पॉजिटिव आयंस से प्रोटॉन्स एंटर द गैप बिटवीन द टू डीज एंड फाइंड डी डी वन टू बी नेगेटिव। फर्स्ट डी वन को नेगेटिव बना दिया, इट गेट्स एक्सीलरेटेड टुवर्ड द डी डी वन। तो ये घुस गया, जैसे डी वन नेगेटिव मिला है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, फटाक से घुस गया डी वन का अंदर। एज इट एंटर्स द डी डी वन इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ मेटालिक डी। वो बाहर से देख रहा है कि नेगेटिव है, जैसे क्या कर दिया कि जब ये डी वन में घुस गया डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम लोग पहले पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, डी वन को नेगेटिव बनाया, अंदर में वो बात में घुसने के बाद देख रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। The perpendicular magnetic field throw it into the circular path. मतलब D1 को लेके बाहर से उसको देख के लगा था ये D1 negative था। जैसे अंदर में घुस गया, अंदर में shielding effect है,
तुम लोगों को पढ़ाया था शील्डिंग इफेक्ट, याद है मैं जब बोला था कि जब कोई लाइटनिंग हो रहा है गाड़ी के अंदर में बैठो, क्योंकि गाड़ी के अंदर में शील्डिंग इफेक्ट रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मैं ये भी पढ़ाया था कोई मोबाइल को अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रखोगे तो मोबाइल का कुछ डैमेज नहीं होता है, वाई? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज होल्ड ऑन। नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। अभी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, अब क्या हो रहा है कि मैं एक पॉजिटिव आयंस को घुसा दिया सेंटर ऑफ द डी, दोनों डी है, डी का बीच में घुसा दिया। अब क्या हो रहा है, वो डी वो सेंटर पॉइंट से उसको लग रहा है कि डी वन को नेगेटिव बनाया, घुस गया डी का अंदर। घुस के घुसने के बाद वो देखा है अरे डी का अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, बाहर से देख रहा था कि नेगेटिव बनाया बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और इसका अंदर में शील्डिंग इफेक्ट है। मैं तुम लोगों का शील्डिंग इफेक्ट बताया था, शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, हम लोग बताया था कि लाइटनिंग होने का समय में तुम अगर गाड़ी के अंदर में बैठ के रहोगे तो उसका अंदर में शील्डिंग इफेक्ट रहता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कार। इवन हम लोग ये भी बताया था इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मान लो मोबाइल को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एक्सिस्ट, तो इसका जो सर्किट है कोई तकलीफ नहीं होता है, इसको मैं बताया था। और तो सिमिलरली ये जो डी वन और डी टू इट इज वैक्यूम, वैक्यूम किस लिए रखा था मैं वो बताया था, क्योंकि हाईली चार्ज पार्टिकल्स है हाई स्पीड में घूम रहा है, अगर एयर रखोगे एयर मॉलिक्यूल के साथ इसका कोलिशन होगा, स्पीड कमती हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन का जो एफिशिएंसी है कमती हो जाएगी, इसलिए वैक्यूम रखते हैं। आप क्या जब तक डी वन का अंदर घुस गया अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। और इसका मैं ये बताया था ये वाला जो देख रहा है इसको क्या होता है, ये वाला पार्ट का साथ परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, लग रहा है कि डी वन नेगेटिव है, घुस गया इसमें चार्ज पार्टिकल्स, घुस के देख रहा है अंदर में है ही नहीं कुछ, इस समय कोई फील्ड नहीं है, तब मैग्नेट हाईली हम बोला था कि पावरफुल मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावरफुल परपेंडिकुलरली रखता है, जिसका नॉर्थ पोल ऊपर में है नीचे साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, मैं तुम लोगों को बताया था कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तब क्या करता है ये मैग्नेटिक फील्ड उसको हाई स्पीड में इसमें थ्रो करते हैं, सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसको घुमा के लेके आके फिर बीच में फेंकते हैं, जैसे फेंकता है साथ साथ क्या करता है वो आके देखता है कि डी वो डी टू नेगेटिव, समझ गए वर्किंग में जो बोल रहे हैं, फास्ट क्या किया था इंजेक्ट किया था इसमें, वो बाहर से देख रहा है कि इसको नेगेटिव है घुस गया इधर, अंदर में देखा रहे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं इसमें बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, सुस्तों में देख रहा है लेकिन मूव करने कर गया तो, अब जब मूव कर गया है और मैग्नेटिक फील्ड था उसमें, मैं तुम लोग को पहले ही पढ़ा के आया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर जो कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, जो फोर्स तब क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, और सर्कुलर पाथ में घुमाना मतलब घुमा के क्या करते हैं, घुमा के लेके आगे फिर सेंटर में डालते हैं, डालने के साथ साथ फिर क्या होता है डी टू जो है डी टू को नेगेटिव बना देते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फिर इसमें घुस जाता है। मेरा माउस दिखाई दे रहा है, मैं जो हिला रहा है इसको, तो yes, इधर से घुस जाता है, घुस के सेम केस है, क्या केस होता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है उसको थ्रो करता है ऑन द सर्कुलर पाथ। हाँ बताओ सर, अंदर में तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर में जरूरत नहीं है ना, शील्डिंग इफेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसका पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड तो फुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो तुम रुका नहीं सकेगा। तुम इंसुलेटर यूज करके कुछ यूज करके तुम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रुका सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को रुकाएगा कैसे? हाँ तो सर, जब वो अंदर घुसता है तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना। शील्डिंग इफेक्ट मैं बताया था, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ तो सर वो बाहर निकलता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वजह से। हाँ जब ये घुस गया अंदर में तब क्या होता है, उसको सर्कुलर पाथ में थ्रो करते हैं, ठीक है? तो ये सर्कुलर पाथ में जब थ्रो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ में थ्रो, और ये सर्कुलर पाथ में घूम के आके फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है? Anybody has any question? वर्किंग का ऊपर अच्छे से समझो। तो क्या हो जाता है, ये वाला जो D1 से निकाल के आके फिर D2 में घुस गया, और D2 में जब घुसेगा D2 नेगेटिव मिलकर और भी घुसेगा, तो वो और भी फास्टर घुसेगा। जितना स्पीड में वो इधर से निकला है उससे फास्टर स्पीड में इधर घुस जाएगा, उसके फिर देखेगा कि शील्डिंग इफेक्ट चल रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट चल रहा मतलब क्या हो जाएगा, उसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगा, उसको फिर सर्कुलर पाथ में घुसा रहा है, घुमा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ने के साथ साथ इसका ऑर्बिट भी बढ़ जाता है, ऑर्बिट का रेडियस बढ़ जाता है, फिर रेडियस अगेन बढ़ता है, फिर बढ़ता है, ऐसा करते करते अल्टीमेटली एकदम बाहर तरफ चला, सबसे आउटर मोस्ट जो है ये जगह में एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड, वो उसको बाहर तरफ खींचता है, खींच के विंडो थ्रू निकाल देता है। This is the working of the cyclotron. ये working जो है इधर तक है, इसको तुम लोग पढ़ लेगा। और क्या होता है मैं बता दिया तुम लोगों, अभी ये जो D में जो घुस रहा है, अभी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज के एक्जैक्टली सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रोटॉन। ये फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर क्या होता है रिवॉल्यूशन ऑफ प्रोटॉन का जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों का जब सेम हो जाएगा, देन एवरी टाइम प्रोटॉन रीचेस द गैप एंड बिटवीन टू डीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, प्रोटॉन रिसीव्स अ पुश, फाइनली इट एक्वायर्स अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है ये जो हाई फ्रीक्वेंसी जो है, हाई फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर का साथ प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी को सेम कर देते हैं, तो इसका वजह से क्या होता है हाई फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो है उसके साथ प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी का सेम हो जाएगा, इसीलिए जब भी वो गैप में पहुंचता है प्रोटॉन आके फिर देखता है जो D1 में जो डी में नेगेटिव था, अब देखा गैप में आके देख रहा है कि दूसरा डी में नेगेटिव है, फिर घुस जाता है, ऐसे करके मूव करते रहते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है प्रोटॉन हाई एनर्जी मिल जाता है, जब वो हाई एनर्जी मिलता है दिस इज कॉल्ड अ साइक्लोट्रॉन्स रेजोनेंस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन्स रेजोनेंस कंडीशन। सर हमको सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोग को सुनाई दे रहा है? मेरा बैकग्राउंड बहुत वो है। तो तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज केप्ट एग्जैक्टली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन, मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था मैं दिखाया था, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ये वाला जाएगा मैं, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, एक बार इसको D1 को नेगेटिव बनाते हैं, एक बार D2 को नेगेटिव बनाते हैं, D1 नेगेटिव मतलब D2 पॉजिटिव, फिर D2 नेगेटिव मतलब D1 नेगेटिव, तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी उसको सेम मैच कराता है प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी। सो दैट क्या होता है ये जो घूम के आके प्रोटॉन जब घूम के आके सेंटर मतलब गैप में पहुंचता है फिर वो देखता है कि दूसरा नेगेटिव हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी होने से ये सुविधा होता है। समझ में आ रहा है बात? Frequency of the applied voltage is kept exactly same of the frequency of
रिवॉल्यूशन ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज केप्ट एग्जैक्टली द सेम ऑफ द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्रोटॉन. अगर सेम हो जाएगा देन एवरी टाइम द प्रोटॉन रीचेस द गैप बिटवीन द टू गिज द टू डीज द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स रिवर्स्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है. ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ? एनी डाउट फ्रॉम इट सर? हाँ बताओ. फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज ना सर, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, मतलब समझ नहीं आई ये प्रॉब्लम. मैं जो दिखाया था ना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का, हाँ कौन प्रोवाइड करता है फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर प्रोवाइड करते हैं. हाँ दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, कौन फ्रीक्वेंसी दे रहा है? ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसका साथ प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तब क्या होता है? तब इसीलिए सेम रखते हैं प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी सेम रखता है, सो दैट इसका वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जब भी प्रोटॉन डी का बीच में आते हैं, सब देखते हैं कि डी वन और डी टू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है. तो क्या हो जाता है? प्रोटॉन गैप से फिर दूसरा डी में घुस जाता है. ये फ्रीक्वेंसी अगर सेम नहीं रखे तब लेकिन नहीं हो पाएगा. सो क्लियर है? अभी ये करते करते जब क्या होता है, हाई एनर्जी प्रोटॉन जब हाई एनर्जी मिल जाते हैं तब उसको कहता है साइक्लोट्रॉन्स रेजोनेंस कंडीशन. ये जो गैप में घूम रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, करते करते प्रोटॉन एक समय हो जाता है कि वेरी हाई एनर्जी मिल जाता है, जिसको कहता है साइक्लोट्रॉन्स रेजोनेंस कंडीशन. द प्रोटॉन्स फॉलोज अ स्पाइरल पाथ. एक्सीलरेटेड प्रोटॉन इज इजेक्टेड through window by a deflecting voltage and hits the target. क्या होता है? देखो ये वाला जाएगा मैं. ये deflecting plate है. ये voltage में जब high energy मिल गया, इधर negative है तो इधर attract कर लिया उसको और इधर से निकल जाता है. This is your window और इसमें accelerated proton beam निकाल के आ जाता है and target को hit करता है. देखो ये sectional diagram है. अभी frontal view देखो क्या होता है. ये घूम रहा है spiral path में और हाई एनर्जी मिल गया, इधर डिफ्लेक्टिंग प्लेट रहते हैं नेगेटिव बोला तो इधर से आके क्या होता है निकल जाता है और इधर टारगेट में हिट करता है. और मैं बताया था टारगेट किसको क्या रहता है उसमें, मान लो न्यूट्रॉन रखा हुआ है, एक तो न्यूट्रॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन बीम जाके हाईली एक्सेलरेटेड प्रोटॉन में जाके न्यूट्रॉन को हिट करता है. क्यों हिट करता है? और न्यूट्रॉन जाके हैवी न्यूक्लियाई को हिट करता है सो दैट वी गेट द एटॉमिक एनर्जी. Understood? जो हम लोग पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, हम बोला था कि हम लोग पढ़ा था कि when a heavy nuclei bombarded, when a heavy nuclei bombarded through a neutron, then atomic radiation occurs. बॉम्बर्ड होने के लिए न्यूट्रॉन स्पीड कहां से मिलता है? उसको हीट करता है प्रोटॉन. प्रोटॉन कहां से मिलता है? प्रोटॉन इतना हाई स्पीड कहां से मिलेगा? ये साइक्लोट्रॉन से उसको हाईली एक्सेलरेट कर देते हैं, हाईली एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है. क्लियर? यस सर. तो एटलीस्ट वर्किंग नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है सर? बोला.
सर एक ही प्रोटॉन होते क्या, मतलब एक ही आयन? बीम होता है, बीम। ओ सर वो तो दिखाई नहीं मिलेगा आवाज सर नेकेड आई से। नहीं उसको तो ऑब्जर्व करते हैं ना। ठीक है, उसमें सिस्टम रहता है, नेकेड आई पे भी देखेगा कैसे, लेकिन देखना पॉसिबल नहीं है। सिस्टम होता है जिसमें वो दिखाई देते हैं, मैंने कोई मान लो मैग्नीफाइंग कुछ बनाया जिसमें दिखाई देते हैं, हाँ प्रोटॉन आ रहा है और वो घूम रहा है बोल के। ठीक है चलो प्रोसीड करते हैं। और कुछ क्वेश्चन था गेन? नहीं सर। अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सीलरेटेड आयंस क्या होता है देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सीलरेटेड आयंस, द आयंस विल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी नियर द पेरिफेरी ऑफ द डीज। पेरिफेरी मतलब क्या होता है? आउटर पार्ट। आउटर पार्ट मतलब क्या होता है? जो उसका जो सर्कमफेरेंस है, मतलब हाई एनर्जी जब मिल जाता है, मतलब ये वाला जगह में मिल जाता है हाई स्पीड, दिस इज पेरिफेरी। ये एरिया को कहते हैं पेरिफेरी। दिख रहा है तुम लोग? इफ द वी नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर v not अगर maximum velocity acquired by the ions, r not is the radius of the d's, अगर r not अगर radius of the d's, that means q v not v तो हम लिखा है, m v not square by r, v not square और v not कट गया, so v not square कट के v not बन गया, m v not by r not is equal to q v, so v not is equal to क्या होगा, ये वाला पार्ट को इधर उठा दो, तो ये r not ऊपर में चला गया, m नीचे चला गया, V naught is equal to QB R naught by M. अगर ये V naught मिल गया, the maximum kinetic energy of the ions will be what? K naught is equal to half MV naught square. और V naught square मतलब क्या होता है? V naught जो है, this is QB R naught by M whole square. और इसमें M square है, इसमें M है, तो M square M कटने से क्या होता है? M रह जाता है, नीचे M है. ये 2 है, 2m लिख दिया, और इसमें क्या होता है, q स्क्वायर लिखा है, b स्क्वायर लिखा है, r नॉट स्क्वायर लिखा है, तो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस। एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ बोलो। एक चीज पूछना था, ये जो ऊपर में जो इक्वेशन है ना, m v नॉट स्क्वायर बाय r नॉट इक्वल्स टू q v नॉट b वाला, हाँ हम लोग आगे कहीं पढ़ा था। हाँ इधर ही पढ़ा था, देखो ये वाला, देखो नहीं इससे भी आगे कहीं पढ़ा था कि देखो ये क्या होता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब सर्कुलर पाथ में कौन फेंक रहा है बोलो तो प्रोटॉन को, वो हाई फ्रीक्वेंसी और नहीं 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 वो तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे है क्यों, देखो मैं बताया था कि डी का अंदर जब भी घुस गया ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, डी का अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, तो क्या रह जाता है, मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। और मैं हम लोग पहले पढ़ के आया कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी डी का अंदर घुस गया चार्ज इज मूविंग, देन क्या होता है, उसको सर्कुलर पथ में डालता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग पहले पढ़ के आया इसका पहले लॉरेंट्ज़ फोर्स का पहले जो पढ़ा था, QVB sin theta, F is equal to QVB sin theta, and this is the formula. और जब ये सर्कुलर पथ में घूम रहा है उसका सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv square by r, तो दिस पार्ट। ये काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट होता है लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
According to the Einstein special theory of relativity, mass of a particle increases with the increase in its velocity as. According Einstein ka special theory of relativity जो है उसमें क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मतलब बचपन से पढ़ के आके पढ़ के आ रहा है कि मास इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन मास इंक्रीज कुड बी पॉसिबल अगर उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है. दिस इज द आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. कितना होता है इंक्रीज, एम कितना होता है, एम नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. एम नॉट क्या होता है, सॉरी रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल जब रेस्ट में रहता है उसमें उसका जो मास है एम नॉट. एट हाई वेलोसिटी द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, एट हाई वेलोसिटी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी बाई टू पाई एम. पहले वाले पेज में पढ़ के आया. विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मास. अगर वेलोसिटी सॉरी हम लोग जानते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एफ सी इज इक्वल टू क्यू बी बाई टू पाई एम. जब तुम हाई स्पीड में प्रोटॉन को घुमाओगे तब क्या हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा. क्यू हाई स्पीड में कोई पार्टिकल्स घूम रहा है तो उसका स्पीड बढ़ना का साथ साथ क्या होता है, मास भी बढ़ जाता है. बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला कहां पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ेगा सो मास भी बढ़ता है पार्टिकल का. इसलिए क्या हो जाता है कि अगर कोई बॉडी का मास बढ़ गया सो उसका फ्रीक्वेंसी घटता है. जिसका मास जितना ज्यादा है उसका अंदर में भागदौड़ करने का कैपेबिलिटी कमती हो जाता है. समझ गए. दिस विल फॉलो द पार्टिकल्स आउट ऑफ द रेजोनेंस विद द ऑसिलेटिंग फील्ड. तो क्या होगा, वो अगर फ्रीक्वेंसी देख ले डिक्रीज हो गया तब क्या ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी फील्ड का बाहर में आ जाता है. दिस विल थ्रो द पार्टिकल्स आउट ऑफ द रेजोनेंस विद द ऑसिलेटिंग फील्ड एंड दैट इज द एज द आयन रीच द गैप बिटवीन द डीज द पोलैरिटी ऑफ डीज डज नॉट रिवर्स एट दैट इंस्टेंट. तो क्या हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी कम गया क्योंकि मास बढ़ गया था बोल के, तो डी का बीच में आ गया. और डी का बीच में आके देखेगा कि पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रहा है, मतलब डी का जो रिवर्स होता है ना, मैं बोला था कि जब वर्किंग है उसमें क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो अप्लाइड वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम रहना चाहिए. बिकॉज वेन एवर इट रीचेस द चार्ज पार्टिकल रीचेस द गैप ऑफ द डीज देन साथ साथ डी रिवर्स हो जाता है. डी का जो पोलैरिटी जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो साथ साथ रिवर्स हो जाता है तो आराम से घूम सकता है. लेकिन अगर हाई स्पीड में घूमने की वजह से अगर पार्टिकल का मास ज्यादा हो गया उसका फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली घटेगा. और घटने का साथ साथ क्या हो जाता है, घटने का साथ साथ वो डी का बीच में आ जाएगा और आके देखेगा कि डी रिवर्स नहीं हुआ है, डी का जो पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुआ है. सो एट दैट इंस्टेंट कंसिक्यूटली द आयंस आर नॉट एक्सीलरेटेड फर्दर. अगर देख रहा है कि रिवर्स नहीं हुआ है तो उसको फिर एक्सीलरेट करने नहीं सकेगा, साथ साथ करना पड़ेगा ना, फिर उसको शुरू से करना पड़ेगा. मेरा बात समझ में आ रहा है. मैं ये बताना चाहते हैं कि देखो डी में घूम रहा है, इधर डी है इधर डी है, तो क्या हो जाता है जब पार्टिकल इसमें घूम रहा था उसको हाई स्पीड में घूमने की वजह से उसका मास ज्यादा हो गया. मास ज्यादा हो गया मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट गया. फ्रीक्वेंसी घट गया मतलब क्या होता है, ये जो डी है दोटो जो डी शो कर रहा है ये डी का बीच में आके पार्टिकल बैठ गया और इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया आके घट गया,
लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होता है, उस समय रिवर्स नहीं मिलता है, और उस समय अगर रिवर्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो एक्सीलरेटर होने नहीं सकता है, फिर उसका स्पीड कमती हो जाता है। ये लॉजिक हो जाएगा तो उसको एक्सीलरेट करना उसको पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए अबव ड्रॉबैक इज ओवरकम आइदर बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो बाय डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ, और क्या करेगा, आइदर तुमको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसको डिक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा मशीन जैसा बनाए बढ़ाएगा, सिंक्रोट्रॉन बोल के एक मशीन है उसको जैसा बढ़ाओ, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर है उसका जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बोल के एक मशीन होता है उसका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी को घटा दो, तब ये पॉसिबल हो सकता है। नंबर वन लिमिटेशन, आई होप कि नंबर वन लिमिटेशन तुम लोगों का क्लियर है, एनी डाउट ऑन इट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है सर। मतलब वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ जाते हैं ना। हाँ, ये न्यूटन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, मिला है ये, दिस इज द फॉर्मूला, एम नॉट होता है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में है उसका मास एम नॉट रहते हैं, जब तुम बॉडी को मूव कराओगे उसका वेलोसिटी बढ़ाओगे सो मास बढ़ जाता है। तो सर हम लोग अगर स्पीड डालेगा तो हमें का मास बढ़ जाएगा। हाँ, उतना स्पीड में भागना पड़ेगा, चार्ज पर जो स्पीड में भागता है, लाइट का स्पीड पकड़ो। Any question on it, please ask. Sir. हाँ बोलो। Alternating electric field का frequency decrease करने से मतलब क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो तो बोल दिया कि frequency अगर तुम्हारा decrease करोगे ना, frequency अगर decrease करोगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो भाग दौड़ करने का वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी घट गया, भाग दौड़ कर रहा है उसका मास बढ़ गया, राइट, मास बढ़ गया मतलब क्या होगा, प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी घट गया। अभी तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि प्रोटॉन का जो फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द तुम्हारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोटॉन जब एक्सीलरेट कंडीशन में आके डी का बीच में आएगा, आके देख रहा है कि डी रिवर्स नहीं है, पोलैरिटी रिवर्स नहीं हुआ है, तो उधर रुक जाएगा ना, घुस नहीं सकेगा दूसरा डी पे। हाँ तो सर वो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देगा ना। हाँ, तब क्या करेगा, डिक्रीज करके कितना बनाना पड़ेगा, जो प्रोटॉन है प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी का इक्वल करना पड़ेगा। Right? Anything to be asked, please? Number two limitations है कि electrons cannot be accelerated in cyclotron. Number two point यह है, electrons को cyclotron में accelerate करने नहीं सकेगा। Neutrons जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इस न्यूट्रॉन्स को भी, इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सो इसको भी साइक्लोट्रॉन थ्रू मूव कराने नहीं सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यूज में। हाई एनर्जी पार्टिकल प्रोड्यूस्ड इन साइक्लोट्रॉन, हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियाई। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोट्रॉन को आर यूज्ड टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियाई, एंड द स्टडी ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड हेंस इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। जरूरत नहीं है, इतना तक पढ़ने से काफी।
ठीक है फर्स्ट पॉइंट. सो समझ गए ये पार्ट मैं शुरू से बोल रहा था. और क्या होता है द हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स. ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स बाय कोलिशन एंड फास्ट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स. फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स. वन और टू का मोर और लेस सेम ही है. देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है इट इज यूज टू इम्प्लांट आयन्स इनटू द सॉलिड्स एंड मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज टू इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स. सॉलिड्स के अंदर में आयन्स घुसा देते हैं इसका प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाता है एंड इवन सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स. इसका प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाता है और न्यू मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है. नंबर फोर इट इज यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच आर यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट्स. ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाने का काम में रहते हैं लगते हैं. जो यूज कर होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ये चार्टो पार्ट है साइक्लोट्रॉन्स का पार्ट होता है. ठीक है एनीथिंग टू बी आस्क्ड ऑन इट सर. एक बात पूछेगा सर क्या बोलते हैं ना आप जो प्रोटॉन को हम लोग करते हैं ना इतना हाई फ्रीक्वेंसी में जब वो बाहर आ रहा होता है ना. हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है हाई एनर्जी पे. एनर्जी सॉरी हाई एनर्जी में जो बाहर आ रहा होता है ना सर तब वो हम लोग अगर वहां में टारगेट का प्लेस में अगर एक स्टोन रखने से वो उसको तोड़ देगा मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होता है उसका. इट इज इरिलेवेंट विद द टॉपिक. ठीक है ये टॉपिक का बाहर है. ठीक है उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा क्या है नहीं है. बट मेरा जो टारगेट है इसका यूज उसमें है कि वो पार्ट अगर कोई न्यूट्रॉन को हिट करने के लिए उसका काम है पत्थर तोड़ने के लिए नहीं है. वो एक न्यूट्रॉन्स को हाई एनर्जी उसका एनर्जी अगर न्यूट्रॉन को डिलीवर कर देते हैं तो न्यूट्रॉन भागना शुरू करते हैं. इसका टारगेट वही है. और ये हाई स्पीड पे प्रोटॉन को अगर तुम कोई सॉलिड में घुसा दोगे तो प्रॉपर मॉडिफाई करते हैं इसका प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई. और एक्चुअली क्या होता है इसको पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बनाता है इसलिए क्योंकि पत्थर तोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं तो जरूरी नहीं है. नहीं हम उसका एनर्जी पूछ रहा था सर बहुत ज्यादा होता है. समझ गए लेकिन वो जो एनर्जी है वो एनर्जी का मेथड यूज करेगा ही नहीं माने कोई उसमें जाएगा ही नहीं वो करने के लिए. वो तो बात का बात है कि पत्थर तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा लेकिन वो इतना छोटा चार्ज पार्टिकल्स है वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है तोड़ सकता है अभी नहीं भी तोड़ सकता है. तो बात वो नहीं है बात वो जगह में है मेरा कहां पर यूज किस लिए मैं उसको बना रहा है. ठीक है तो बताओ साइक्लोट्रॉन लेके कोई ये है कोई किसी का डाउट है क्योंकि इसको हम काफी सारे टाइम देने के लिए कोशिश करते क्योंकि इधर से हर साल में छोटा मोटा कोई ना कोई क्वेश्चन घुसाते ही है साइक्लोट्रॉन से. कुछ पूछना है बताओ. सर हाँ बोलो. पॉइंट थ्री को और एक बार बोलिए ना यूज वाला पॉइंट थ्री ये होता है कि कोई सॉलिड का अंदर में कोई आयन्स का घुसा के का काम होता है. ये साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वो आयन्स का घुसा देते हैं सॉलिड का अंदर में. उसका वजह से क्या होता है सॉलिड का प्रॉपर्टी ये हो जाता है चेंज हो जाता है तो न्यू मटेरियल्स मिल सकते हैं उसमें.
समझ गया।